हेलो एवरीवन मैं श्रास्त श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाइट पर तो देखिएगा अभी तक रेलवे इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रेलवे इंजीनियरिंग के 15 लेक्चर्स की जिसके हम बात कर रहे हैं रेलवे कर्व्स अब मैं बात करता हूँ सुपर एडुकेशन हमने लास्ट लेक्चर तक कम्प्लीट कर लिया है सुपर एडुकेशन के बाद जो बात आती है वो आती है रेलवे कर्व्स की ठीक है अब रेलवे कर्व्स में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्व होता है ट्रांजिशन कर्व बट ट्रांजिशन कर्व क्या होता है उसके पहले हमें जानना ही जरूरी है कि भैया कर्व्स क्या कर्व ही क्या होते हैं तो इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कर्व्स के बारे में और अगले लेक्चर में बात करूंगा कंप्लीट ट्रांजिशन कर्व के बारे में तो पहले हमें कर्व की नॉलेज देना जरूरी है कर्व होते क्या है कितने टाइप के होते हैं और रेलवे में हम जनरली किस किस कर्व को यूज करते हैं और उनमें से किस कर्व को बनाना कॉम्प्लिकेटेड है तो ये सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ वैभव शास्त्र के साथ आपका रेलवे इंजीनियरिंग का नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर फिफ्टीन जिसका नाम है रेलवे कर्ज सबसे पहले डेफिनेशन कर्व्स आती है कर्व्स होते क्या हैं ठीक है थीके? तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कर्व्स क्या हैं तो आपने देखा होगा कई बार कि आपका घर ए है ए पॉइंट में मान लीजिए एक पॉइंट है और एक पॉइंट है बी पॉइंट अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो स्ट्रेट पाथ नहीं हो सकता है अगर ये स्ट्रेट पाथ नहीं हो सकता है तो उस कंडीशन में हमें कुछ घूम के जाना होगा और जब हम घूम के जा रहे हैं इस तरीके से सपोज घूम के जा रहे हैं ठीक है अब घूम के जा रहे हैं तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पे अगर मैं देखता हूं पॉइंट ए पर तो डायरेक्शन मेरी इस तरीके से है अगर पॉइंट बी पर देखो डायरेक्शन इस तरीके से है, पॉइंट सी पर देखो डायरेक्शन इस तरीके से तो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन क्या हो रही है डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो डायरेक्शन के कंटिन्यूसली चेंज होने के कारण हमारा अलाइनमेंट चेंज होता है अलाइनमेंट अलाइनमेंट ठीक है अलाइनमेंट अलाइनमेंट क्या होता है अलाइनमेंट की बात समझें तो अलाइनमेंट सिंपली आप मान लीजिए सेंटर लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक अगर हम रेलवे अलाइनमेंट की बात करते हैं तो रेलवे ट्रैक की सेंटर लाइन अगर हम हाईवे अलाइनमेंट की बात करते हैं तो हाईवे का हाईवे का जो सेंटर लाइन है उसको हम अलाइनमेंट बोलेंगे तो जनरली जब अलाइनमेंट चेंज हो रहा होता है तो अलाइनमेंट चेंज होने की कंडीशन में मतलब अलाइनमेंट चेंज होने का मतलब है कि अलाइनमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज होने की कंडीशन में हमें हर बार मूव करना पड़ेगा और जब हम मूव कर रहे हैं इस तरीके से बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो हमें एक स्मूथ अगर हम देखो अगर हम जाना चाहें यहां पर सी पॉइंट बोल दो तो अगर हम ए पॉइंट से अगर सी पॉइंट पे गए सपोज ए पॉइंट से सी पॉइंट पे गए और सी पॉइंट से बी पॉइंट पे आना पड़ा तो अचानक से बहुत ज्यादा डायरेक्शन चेंज हो गई यहां से आप सीधे जा रहे थे अब सीधे जाने के बाद आप इस तरीके से मुड़ गए ये मुड़े ये जो एंगल है ये इतना मुड़ गए हैं अगर ये जो एंगल मुड़ गए हैं यहां पर तो इसको मैं बोलता हूं डेल्टा क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन हो जाना तो इसको बोला जाता है डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा और डिफ्लेक्शन एंगल अगर हम बात करते हैं तो डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा जो होता है वो कर्व के इनिशियल पॉइंट और कर्व के एंड पॉइंट मतलब एक्सट्रीम एंड ऑफ कर्व के बीच में जो टेंजेंट खींची जाती है उनमें डायरेक्शन का जो चेंज बताया जा रहा है उसको बोला जाता है डिफ्लेक्शन एंगल ठीक है और डिफ्लेक्शन के कारण अगर हम सडनली सी पॉइंट पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा चेंज आएगा डायरेक्शन में इसलिए हम इस डायरेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली चेंज करते जाते हैं तो अगर हम देखें तो सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फोर सी फाइव पॉइंट पे धीरे 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 चेंज करते जा रहे हैं तो ये कंडीशन जहां पर हम डायरेक्शन को स्मूथली चेंज करने की बात करेंगे वहां पर हमें क्या डिजाइन करना होगा कर्व डिजाइन करना होगा क्योंकि सडनली डायरेक्शन चेंज होने से हमें झटका लग सकता है या सडनली डायरेक्शन चेंज करना हमारे लिए एकदम से पॉसिबल नहीं हो सकता है तो उस कंडीशन में हम अपना जो और क्योंकि हमारे पास कई सारी लिमिटेशंस हैं एक तो रेलवे ट्रैक रेल को आसानी से एकदम से मोड़ना आसान नहीं है या रोड में रोड पे भी व्हीकल को अचानक से इस तरीके से मोड़ना आसान है सी पॉइंट पे बिल्कुल नहीं वो भी आपका क्या है स्लोली मूव होगा और स्लोली मूव होने की कंडीशन में ए से बी के बीच डायरेक्शन का स्लोली चेंज करते हैं और ये चेंज किसके थ्रू अचीव करते हैं कर्व के थ्रू अचीव करते हैं कर्व के थ्रू अचीव, अचीव करते हैं तो यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है नेसेसिटी टू चेंज द अलाइनमेंट एंड ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक क्या है कर्व है कर्व क्या है तो हम कर्व को अलग अपने शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं कि कर्व्स आर कर्व्स आर डिफाइंड एज स्मूथ कर्वेचर इट स्मूथ कर्वेचर बिटवीन टू पॉइंट्स विच विच आर विच आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट कर वो दो पॉइंट हैं जो अलाइनमेंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं उनके बीच एक स्मूथ कर्वेचर जो भी हमने बनाया है जैसे हमने यहां पर बात की ए सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव और बी तो ये एक स्मूथ कर्वेचर है इसको हम क्या बोल रहे हैं कर्व बोल रहे हैं अब अलाइनमेंट की जो बात की जाए अलाइनमेंट दो तरीके से चेंज होगा ठीक है आपने चौराहे देखे हैं ये गलियां है, ये चौराहा हाँ वो चौराहे ठीक है तो अगर हम चौराहे पर बात करते हैं तो चौराहे पे क्या होता है यहाँ पर ये हमारा रोटरी है और रोटरी पे आप इस तरीके से चेंज होते हैं क्या कभी आप इस तरीके से आए हो जो ब्लू लाइन में बना रहा हूं क्या इस तरीके से रहे हो क्या ठीक है इस तरीके से आए हो क्या कभी नहीं आए हो आप क्या करते हो स्मूथली चेंज होने की कोशिश करते हैं तो अगर ऐसे कर हम बात करें कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस एक सिंगल प्लेन पे बन रहे हैं ऐसे कर्व्स को अगर हम बात करें तो ये कर्व्स कैसे कहलाएंगे हॉरिजॉन्टल कर्व कहे जाएंगे वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहे हैं कहाँ बन रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहे हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व्स कहे जाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनने वाले कर्व्स हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व्स कहे जाएंगे कुछ कर्व ऐसे भी देखे हो आपने एक ऊपर से जा रहा है और एक नीचे से रोड जा रहा है तो जो ये ऊपर से कर्व जा रहा है इसमें देखिएगा डिफरेंट लेवल पे है ग्राउंड से एक लेवल दो लेवल तीन लेवल तो जब हम ग्रेडियंट चेंज हो रहा है अगर हम बात करें ये वर्टिकल में है ठीक है ये पॉइंट है और ये वर्टिकल में है ये हाइट है हाइट है और ये हाइट वाइज चेंज हो रहा है अगर ये हाइट वाइज चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे अलाइनमेंट कहां चेंज हो रहा है वर्टिकल में तो ऐसे कर्व कहे जाते हैं वर्टिकल कर्व और जब भी वर्टिकल कर्व बनते हैं वो वर्टिकल प्लेन में बनेंगे अब वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल हो, प्लेन समझ में आ रहा है देखो हॉरिजेंटल प्लेन ये ये तुम्हारा चौराहा है फोर वे ठीक है और इसी में ये चेंज हो गया ये फोर वे है ठीक है अब वर्टिकल में ये ऊपर से नीचे गए अब ये जो प्लेन आ रहा है ये जो प्लेन वर्टिकल में यहां से तुम ऊपर गए तो ये जो प्लेन वर्टिकल प्लेन खड़ा हुआ प्लेन आ रहा है ये तुम्हारा वर्टिकल प्लेन और इसी प्लेन में आपका अलाइनमेंट चेंज हो रहा है तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्लॉटेड ऑप्शन ए इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑप्शन बी इन वर्टिकल प्लेन ऑप्शन सी इधर इन हॉरिजोंटल प्लेन और इन वर्टिकल प्लेन किसी में भी बना सकते हो और ऑप्शन डी नन ऑफ द तो आपको आंसर देना होगा हॉरिजोंटल कर्व हॉरिजोंटल प्लेन में और वर्टिकल कर्व वर्टिकल प्लेन में बनाए जाते हैं तो आई थिंक अब चीज़ें क्लियर होगी कि कर्व्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं दो तरीके के होते हैं एक हॉरिजोंटल कर्व और एक होता है वर्टिकल कर्व और अगर हम बात करें हॉरिजोनटल तो प्रोवाइड टू चेंज द हॉरिजोंटल अलाइनमेंट जब भी हॉरिजोंटल अलाइनमेंट चेंज होगा उसका कंडीशन में प्रोवाइड करेंगे और प्लॉटेड इन द हॉजोंटल प्लेन अगेन हम बात कर रहे हैं plane, हैं प्रोवाइडेड टू चेंज द द वर्टिकल 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 अलाइनमेंट प्लॉटेड इन प्लेन प्लेन और में जाते अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा और आगे बात करते हैं तो अगर हम कर्व्स की बात करते हैं तो कर्व में मैंने आपको बता दिया ये जो है ये कहा जाता है डिफ्लेक्शन एंगल जबकि डिफ्लेक्शन एंगल के साथ यहां पर एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं ठीठा इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन एंगल दो दो पॉइंट के बीच इंटरसेक्शन हो रहा है तो उनको बोलेंगे इंटरसेक्शन एंगल और ध्यान रखना इंटरसेक्शन एंगल और और डिफ्लेक्शन एंगल का समीक्षण हमेशा 180 डिग्री होकर के आता है ध्यान रखिएगा डिफ्लेक्शन एंगल और इंटरसेक्शन एंगल का समीक्षण हमेशा 180 डिग्री निकल करके आएगा तो कई बार क्वेश्चन में आपको डिफ्लेक्शन एंगल ना देकर के इंटरसेक्शन एंगल दिया जाएगा आपको वहां पर जानना है ठीक है अब हम बात करते हैं यहां पर सबसे आगे बात करते हैं कि अगर हम हॉरिजोंटल की बात करते हैं तो कर्व भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ठीक है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं पहला पहला जो होता है वो रहा हमारा होता है है सिंपल सर्कुलर कर्व ठीक तो मोस्ट कॉमनली जो यूज किए जाते हैं रेलवे में हाईवे में कहीं पर भी ठीक है वो हमारे कौन से होते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व होते हैं अगर हम दूसरा बात करते हैं तो दूसरा हमारा जो होते हैं वो होते हैं कंपाउंड कर्व और यदि मैं तीसरे कर्व की बात करता हूं तो मेरा होता है रिवर्स कर्व या इन्हें ही बोलते हैं एस कर्व या इन्हें ही बोला जाता है सरपेंटाइन कर्व सरपेंटाइन कर्व्स ठीक है ये एक्सट्रीम केसेस में प्रोवाइड करने वाले कर्व होते हैं और अगर हम बात करें लास्ट में हमारा आता है ट्रांजिशन कर्व ठीक है अब एक एक करके इन कर्व्स की बात कर लेता हूं मैं कि कर्व्स होते क्या है तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपल सर्कुलर कर्व तो एक ऐसा कर्व ठीक है अगर हम बात करते हैं कई बार सर्कुलर कर्व भी बोल देते हैं और सिंपल सर्कुलर कर्व भी बोलते हैं तो इसकी डिटेल स्टडी आप सर्वेइंग में करते हैं ठीक है तो यहां पर डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं है यहां मेनली हमारा जो कंसर्न है वो ट्रांजिशन कर्व और रेलवे में जनरली जनरली बोल रहा हूं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हमेशा जनरली दो तरीके के कर्व यूज किए जाते हैं सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर जिसमें ट्रांजिशन कर्व इंपॉर्टेंट होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है थोड़ी देर से बात करते हैं ठीक है तो सर्कुलर कर्व की अगर हम बात करें तो सर्कुलर कर्व क्या होते हैं आप जानते हैं एक सर्कल है अगर मान लिए सर्कल के ए पॉइंट और बी पॉइंट पे दो स्टेशन है और इन स्टेशन को स्ट्रेटली कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे इस पे एक कर्व ड्रॉ करेंगे और वो कर्व क्या होगा ए से बी के बीच एक सर्किल का पार्ट होगा से बी के बीच क्या होगा एक सर्किल का पार्ट होगा और अगर ये सर्किल का पार्ट हुआ तो ध्यान दीजिएगा क्या इस कर्व का सेंटर कुछ ना कुछ होगा या नहीं इस कर्व का सेंटर ओ होगा और इस कर्व का जो सेंटर होगा उसका रेडियस थ्रू आउट शुरू से लेकर के अंत तक क्या होगा सेम होने वाला है रेडियस क्या हो जाएगा आ, सेम होने वाला है ध्यान रखिएगा यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो रेडियस कितना आएगा यहां पर यह भी रेडियस आ आने वाला है तो ऐसे कर्व क्या कहे जाते हैं सर्कुलर कर्व तो हम लिख सकते हैं कर्व्स विच आर हैविंग विच आर हैविंग विच आर हैविंग इक्वल रेडियस इक्वल और सेम रेडियस थ्रो आउट करवेचर थ्रो आउट करवेचर वो हमारे क्या कहे जाते हैं वो हमारे सिंपल सर्कुलर करवे और दूसरी लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हैं इट इज अ Portion of a circle. ये क्या होते हैं एक छोटा सा पोर्शन या आर्क होते हैं आर्क पोर्शन ऑफ सर्कल होते हैं एक छोटा सा आर्क या चाप हम बोलते हैं उस तरीके का पोर्शन होते हैं हमारे सर्किल का तो ये होते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व इनकी डिटेल स्टडी आप करते हैं कहाँ सर्वे के अंदर ठीक है दूसरे यदि मैं बात करता हूं दूसरा होता है कंपाउंड कर्व तो देखिएगा मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि डेफिनेशन दे करके पूछ लिया गया है कि भैया बताओ ये कौन सा कर्व है कंपाउंड मतलब क्या होता है मिला जुला तो ये ऐसे कर्व होते हैं कि ये आधे पोर्शन तक तो कोई एक रेडियस रखेंगे ठीक है सपोज यहां पर ये रेडियस रख रहा है आर वन ठीक है यहाँ पर ये रेडियस रख रहा है कितना आर वन ठीक है और दूसरे पोर्शन में इनका रेडियस चेंज हो सकता है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है तो अगर हम बात करेंगे दूसरे पोर्शन में ये जो रेडियस रखेंगे वो r2 रखेंगे तो बताइएगा ऐसे कर्व के लिए जो सेंटर होंगे वो O1 वन एंड ओ दो सेंटर मिलने वाले हैं या नहीं तो हम बात करेंगे अगर हम अगर हम लास्ट क्वेश्चन में बात करते हैं तो लास्ट क्वेश्चन में अगर ए और बी के बीच अगर हमने टेंजेंट डाले तो अगर हम बात करें तो ए और बी के बीच अलग अलग टेंजेंट होंगे ठीक है और यहां पर एक ही कर्व है तो इनका एक ही टेंजेंट होने वाला है सभी जगह पे ठीक है अगर हम बात करें यहां पर दो कर्व के बीच जो ज्वाइंट पोर्शन है इस ज्वाइंट पोर्शन पे यदि मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं ये टेंजेंट ड्रॉ की ये हमारी क्या कही जाएगी कॉमन टेंजेंट कॉमन टेंजेंट तो आप देख सकते हैं कि अगर एक कॉमन टेंजेंट एक कर्व पर ड्रॉ की जाती है और कर्व के दो कर्व के सेंटर कॉमन टेंजेंट के एक ही साइड होते हैं तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं हम ऐसे कर्व को बोलते हैं कंपाउंड कर्व और अगर मान लीजिए सपोज आर वन अगर बराबर आर टू हो गया तो यही कर्व किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल सर्कुलर कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल सर्कुलर कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं व्हेन टू कर्व्स आर ज्वाइंटेड एंड दे आर हैविंग डिफरेंट रेडियस डिफरेंट रेडियस As well as well, their centers lie centers sorry centers they are centers lie one side of common tangent one side of कॉमन टेंजेंट क्या कहे जाते हैं कॉमा नोन एस कंपाउंड कर तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनका अगर हम बात करें तो इस कर्व में जो हमारे सेंटर्स हैं कर्व के वो कॉमन टेंजेंट के एक ही साइड पे और कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है एक ऐसा टेंजेंट दो जो दोनों ही कर्व कर्व वन और कर्व टू के लिए एक कॉमन हो ऐसा कॉमन टेंजेंट की बात करने वाले हैं ठीक है अगेन हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे बात, बातें हैं तो हम बात करते हैं एस कर्व की या फिर हम बात कर लेते हैं रिवर्स क्या बोला था सरपेंटाइन तो तीनों नाम लिखे रिवर्स एस बोलते हैं ठीक है, कर्व. कर्व भी इसको बोल दिया जाता है. अब हम बात एस कर्व तो एस कर्व कैसे होते हैं ध्यान दीजिएगा कि S कर्व कुछ इस तरीके से होते हैं ये यहां पर एक होता है ठीक है और दूसरा कर्व अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा होता है तो अगर हम बात करें इनका ये कॉमन पॉइंट है और कॉमन पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करता हूं ये एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये कॉमन टेंजेंट हुआ ठीक है अब जो कॉमन टेंजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस कॉमन टेंजेंट में इस कर्व का सेंटर देखो क्या इस साइड पर बनेगा ओ और इसकी रेडियस आर हो सकती है साथ ही साथ अगर हम बोलें तो इस कर्व का टेंजेंट जो है रेडियस जो सेंटर बनेगा वो कहीं यहां पर बनेगा O2 और इसका रेडियस r2 हो सकता है यदि आप बोलें कि एक बोले दो कर्व आपस में ज्वाइन किए गए हैं दो कर्व आपस में ज्वाइन किए गए हैं और और उनके रेडियस अलग अलग हैं तो अब बताओ अब क्या क्लासिफाई कर पाओगे क्या वो एस कर्व होगा या कंपाउंड कर्व होगा बिल्कुल क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर मैंने बोल दिया दो कर्व आपस में ज्वाइन किए गए हैं बट उनके रेडियस अलग अलग हैं और और अगर कर्व में अगर कर्व में दोनों के सेंटर कॉमन टेंजेंट के अपोजिट साइड में हैं कॉमन टेंजेंट के अपोजिट साइड में हैं तो वो कैसा कहा जाएगा एस कर्व या रिवर्स कर्व एस कर्व या रिवर्स कर्व अगर दोनों कॉमन टेंजेंट के एक ही साइड पे हुए तो क्या हो जाएगा कंपाउंड अब ध्यान देना यहां R1 वन एंड आर लिखा है तो R1 वन बराबर आर भी हो सकता है ऐसी भी कंडीशन हो सकती है और ये कब कर, कर प्रोवाइड करेंगे जब चेंज इन डायरेक्शन जो हो रहा है अगर हम बात कर रहे हैं एंट्री पॉइंट और एग्जेक्ट पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं एंट्री पॉइंट और एग्जेट पॉइंट जो हैं, वो एक दूसरे के पैरल आ रहे हैं जो हम देखिएगा अगर एंट्री पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाली ये आई और एग्जिट पॉइंट पे टेंजेंट डाली तो यहीं से ये डायरेक्शन आए तो अगर दो पैरेलल ट्रैक हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट करना है ठीक है अगर हम बात करें ए ए वन और बी बी वन दो पैरेलल ट्रैक हैं और इन्हें आपस में कनेक्ट करना है तो इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर सरपेंटाइन कर्व या एस कर्व को यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है अगर हम ऐसा बोलें कि दो पॉइंट जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के पैरल है उस कंडीशन में कर बनाना चाह तो हमने क्या बनाएंगे रिवर्स कर बनाएंगे तो हम बोलेंगे इट इज अ कर्व इट इज अ हैविंग टू कर्व जॉइंटेड टुगेदर और इसी में ब्रैकेट में लिख लेंगे इनकी प्रॉपर्टी क्या है

सेंटर स्लाइज अपोजिट साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट कॉमन टेंजेंट कॉमा नोन एस रिवर्स कर्व क्या कहे जाते हैं रिवर्स कर्व और डेफिनेशन में यही पूछा गया है अगर कॉमन टेंजेंट के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों सेंटर हैं तो उस कर्व को क्या बोला जाएगा सिंपली समझिएगा उस कर्व को क्या बोला जाएगा उस कर्व को एस कर्व बोला जाएगा सरपेंटाइल कर्व बोला जाएगा और मैंने एक और चीज ऐड कर दी इसमें कि कहां से हम बात करते हैं हम प्रोवाइड करते हैं जब पैरल ट्रैक्स को कनेक्ट करना होगा उस कंडीशन में ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा हम बात करते हैं ट्रांजिशन कर्व तो ट्रांजिशन कर्व क्या होते हैं ठीक है ट्रांजिशन कर्व वो कर्व होते हैं जिनके एक एंड पे तो रेडियस इनफाइनाइट होता है और दूसरे एंड पे रेडियस की कुछ लिमिटेड वैल्यू होती है आर इज इक्वल टू आर हो जाता है ठीक है तो वो कर्व कर्व्स विच आर कर्व्स हुज रेडियस या इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक मिनट those curves those curves in which radius is continuously changing continuously changing from infinite to designed radius r comma ट्रांजिशन कर और ट्रांजिशन कर बहुत महत्वपूर्ण कर्व होते हैं क्योंकि यही ये आपको क्या करेंगे जो सुपर एल्यूशन को प्रोवाइड करना है या जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस तरीके से लाइक like, यहां पर अगर हम बात करें आर इज इक्वल टू इन्फाइट है ठीक है और यहां पे आर इज इक्वल टू आर है तो बताओ अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा जीरो लेकिन यहाँ पर बात करें सेंट्रिफिकल फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी या नहीं तो अचानक से अगर आर हो गया तो मतलब इसके बाद हमारा सर्कुलर कर्व स्टार्ट हुआ सर्कुलर कर्व तो इसके बीच में हमें कनेक्ट करने के लिए ट्रांजिशन कर्व की जरूरत पड़ेगी जो धीरे धीरे सुपर एलिवेशन और धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंट्रोडक्शन कर रहा होता है तो ध्यान रखिएगा दोस्त का विचार, विच रेडियस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग Radius, अब आप से हो जाए तो क्या ट्रांजिशन नहीं होगा बेटा तब भी ट्रांजिशन होगा आप लिख सकते हो वाई से उस में भी ये ट्रांजिशन कहा जाएगा तो आपको मैंने कुछ चीजें पहले भी बताई थी कि अगर कर्व में हम बताएं डिग्री ऑफ निकालना है तो डिग्री ऑफ कर्व अगर हम रेलवे में निकालते हैं तो डिग्री ऑफ करता है सत्रह सौ पचास अपॉन आर आर क्या होता है डिजाइन रेडियस या आर से डिग्री या डिग्री आर आप यहां पे निकाल सकते हैं साथ ही साथ हमने बरसाइन ऑफ की की बात की थी ऑफ क्या होता है ए जो डी और ई e पॉइंट है डी और ई e पॉइंट के बीच में हम बात कर रहे हैं कि कर्व एक स्टेट पाथ बी पे था और बी से कितना डिस्टेंस जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी हो रही है कर्व की यहां से इस, इस स्ट्रेट पाथ से मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है उसको हम बोलते हैं वर्साइन ऑफ कर्व वी और इसको हमने निकाला हुआ था वी इज इक्ल टू सी स्क्वायर अपॉन एट आर ट्वेल्व पॉइंट फाइव सी स्क्वायर अपॉन आर इन सेंटीमीटर ये मीटर्स ऑलरेडी मैं इसको आपको बता चुका हूँ प्रीवियस दो लेक्चर्स देख लीजिएगा उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी बस कुछ लोगों ने बोला कि सर वो नोट्स तो मैंने नोट्स के फॉर्म में उसको प्रोवाइड कर दिया तो हम लिखेंगे मैक्सिमम डेविएशन ऑफ ट्रैक फ्रॉम स्ट्रेट पाथ एट हॉरिजोटल ठीक है, उसको क्या बोलते है? बोलते है थीके? अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि सेटिंग आउट ऑफ कर्व कैसे करते हैं तो देखिए सेटिंग आउट ऑफ कर्व का जितना भी मैथड है वो आप मेनली कहा पढ़ते हो सर्वे के अंदर पढ़ते हो ठीक है तो वहां पर जो मैथड होते हैं क्या होते हैं टेंजेंशियल ऑफ सेट मैथड मतलब ऑफसेट के थ्रू डालते हैं ठीक है तो हमें पहले ऑफसेट समझना होगा तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं सर्वे में वहां पर आसानी से पढ़ते हैं थेडोलाइट मेथड थेडोलाइट भी वहीं पे पढ़ते हैं ठीक है तो वहां पर हम सारे मेथड डिस्कस करेंगे वन बाय वन ठीक है अभी यहां पर नाम जाना जरूरी है लॉन्ग कॉर्ड मैथड लॉन्ग कॉर्ड ऑफसेट मैथड और चौथा जो होता है वो कॉर्ड डिफ्लेक्शन मेथड होता है ड डिफ्लेक्शन मेथड तो इस तरीके से चार मेथड है जो सेटिंग आउट के लिए यूज करते हैं आपको बस नाम याद रखना है कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो क्या होगा बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे सर्वे के अंदर ठीक है अगर नेक्स्ट बात करूं कि अगर हम बात करें लिमिटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कर् अगर हम प्रोविजन ऑफ कर्व की बात करते हैं कि कर्व के क्या क्या प्रोविजन है और उनकी लिमिटेशन क्या है तो अगर हम बात करें पहला लिमिटेशंस है देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर टर्निंग एंड डी रेलमेंट अगर हम बात करें ओवर टर्निंग और डी रेलमेंट के चांसेस क्या हो सकते हैं बढ़ सकते हैं कर पे क्योंकि आपका दुश्मन आ जाएगा सेंट्रिफिकल फोर्स आ जाएगा ठीक है दूसरा हम बात कर रहे हैं रनिंग ऑफ व्हील्स ऑन स्टेक रोलिंग स्टेक रोलिंग स्टेक का मतलब रेल्स पर रोलिंग स्टेक इज नॉट स्मूथ जो रोलिंग स्टेट पर रनिंग है वो स्मूथ नहीं होती है स्मूथ क्यों नहीं होती है क्योंकि आपको पता है अगर स्मूथ होती तो हम कर्व को इतनी प्रॉपरली डिजाइन करते हैं या नहीं ठीक है अगर हम बात कर रहे हैं वेरियस फिटिंग अरेन्जमेंट अगर हम बात करें वेरियस फिटिंग अरेजमेंट आर रिक्वायर्ड अब वहां पर रेल को भी अगर आपको देखा होगा कि रेल जो होती है रेल जनरली स्ट्रेट होती है ठीक है उसको कर्व रेल बनाना बहुत मुश्किल होता है तो बहुत छोटे छोटे पोर्शन में हमें नंबर ऑफ ज्वाइंट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे और स्लीपर्स पे उसको प्रॉपरली हेल्ड करना पड़ेगा तो ये सारे प्रोविजंस जो होते हैं वो लिमिटेशंस होती है कर्व की चौथा आपने सुपर एलिवेशन में देखा हुआ था कि टायर पे अनिकवल प्रेशर आएगा और वो कहां आया था कर्व पे तो हम बात करेंगे अनिकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स अगर हम बात करते हैं तो अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स होता है साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रिवेंट्स ये जो कर्व हैं वो प्रिवेंट्स करते हैं प्रिवेंट्स द यूज ऑफ हैवी लोकोमोटिव अब देखिएगा अगर हम बात करें तो हॉरीजोंटल होरिजोंटल में भी हैवी लोकोमोटिव्स को कर्व पे हम नहीं ले जा सकते क्योंकि जैसे ही कर्व पे जाते हैं आपको पता है वैसे ही स्पीड को कम करना पड़ेगा और अगर स्पीड को कम करना पड़ेगा तो हैवी लोकोमोटिव्स को खींचना आसान नहीं होगा और अगर ग्रेडियंट पे जाएंगे मतलब ग्रेडियंट का मतलब क्या है अलोंग द पाथ अलोंग द पाथ जब हमारा लेवल चेंजेस होता है उसको क्या बोला जाता है ग्रेडियंट तो जब हम अलोंग द पाथ जाएंगे ग्रेडियंट पे जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा उस कंडीशन में लोकोमोटिव का वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए तो अगर हम बात करें तो यहां पर जब हमने फिटिंग अरेंजमेंट की बात की है तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जो कि जॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं ठीक है थीके? अगर हम बात करें रेलवे ज्वाइंट्स की तो आपने पढ़े हुए थे दो तरीके के ज्वाइंट होते हैं अगर दो तरीके ज्वाइंट्स होते हैं एक आपके होते हैं क्या सस्पेंडेड होते हैं और एक होते हैं क्या होते हैं सस्पेंड के सस्पेंड के सर, और एक होते हैं सपोर्टेड ठीक है लेकिन ये जॉइंट अगर हम पैरेलल ट्रैक पे जाते हैं इस तरीके से ठीक है अगर हम पैरेलल ट्रैक पे इस तरीके से जाते हैं और पैरेलल ट्रैक मतलब स्ट्रेट ट्रैक पे जा रहे होते हैं तो देखिएगा ये जॉइंट जो होंगे वो पैरेलल हमेशा प्रोवाइड करोगे इस तरीके से एक रेल दो रेल जनरली कैसे प्रोवाइड करोगे आप पैर रेल. तो ये ज्वाइंट वन हो गया है ये टू हो गया है तो यह ज्वाइंट बट जब भी आप कर्व पे जा रहे होंगे ये कर्व पे तो अगर कर्व पे जा रहे होंगे और ये आपका सेंटर लाइन है मान लीजिए ये आपका सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन से तो रेडियस इसका आर होगा सपोज सेंटर लाइन से कितना होगा रेडियस जो होगा वो आर होगा बट अंदर वाले रेल से उसका रेडियस कुछ और हो सकता है और बाहर वाले रेल से कुछ और हो सकता है अलग अलग रेडियस होगा और बाहर वाले रेल का रेडियस ज्यादा होगा तो इस कंडीशन में जो ज्वाइंट प्रोवाइड करोगे आप इस कंडीशन में जो ज्वाइंट प्रोवाइड करोगे तो एक ज्वाइंट यहां प्रोवाइड करोगे एक ज्वाइंट यहां एक ज्वाइंट यहां जबकि अंदर वाली रेल पे जो ज्वाइंट प्रोवाइड करोगे वो कुछ इस पैटर्न में है. थोड़ा आगे चले जाएंगे यानी थोड़ा आगे चले जाएंगे तो अगर हम बात करें यहां पर ज्वाइंट वन आया तो इसका ज्वाइंट वन यहां पर आया इसका जॉइंट टू यहां पर आया इसका जॉइंट टू तो थोड़ा सा आगे चला गया तो अगर आप इस पैटर्न को देखें तो क्या ये जिगजैग पैटर्न या इस तरीके से आपका जिगजैग पैटर्न या फिर इस, इसको हम बोल सकते हैं स्टेगर्ड पैटर्न बन रहा है या नहीं कैसा पैटर्न बन रहा है स्टेगर्ड पैटर्न तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया है कि अगर हम रेलवे जॉइंट्स की बात करें कर्व पे तो अगर रेलवे जॉइंट्स की बात करें रेलवे जॉइंट्स की बात करें कहाँ पर ऑन कर्व ऑन कर्व अगर मैं रेलवे जॉइंट्स की बात करता हूं तो इसका जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा स्टैगर्ड होगा स्टेगर्ड होगा स्टैगर्ड मतलब स्टेगर्ड मतलब क्या होगा स्टेगर्ड मतलब एक आगे पीछे ज्वाइंट्स बनाए जाएंगे तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्व्स पे जो रेलवे ज्वाइंट्स का पैटर्न होगा वो कैसा होगा पैरल होगा या स्टेगर्ड होगा तो आपको ध्यान रखना है स्टेगर्ड और अगर स्टेगर्ड ऑप्शन में नहीं होगा तो आप जिग्जेट भी आंसर दे सकते हैं ठीक है जिग्जेक्ट भी आंसर देखते हैं मतलब एक के सामने पैरल नहीं होंगे ज्वाइंट्स पैरली नहीं होंगे आगे पीछे ज्वाइंट्स होंगे इसलिए हम इसको स्टेगर्ड और स्टेगर्ड का मतलब आप जानते हो जैसे मान लीजिए ये आपका एक एलिमेंट है आपने एक होल यहां किया एक होल यहां किया एक होल यहां किया और एक होल यहां किया तो इस तरीके से एक यहां है, यहां है, यहां यहाँ यहाँ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है इसको क्या? बोल सकते हैं। तो यहां पर इतनी चीजें थी आज कर्व के बारे में समझने के लिए और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रांजिशन कर्व कंप्लीट करूंगा कि किस तरीके से और ट्रांजिशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें उन पर ध्यान देना है ठीक है तो थैंक यू सो मच थैंक यू सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एज वेल अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या आपके कमेंट में ही आपको सेटिस्फाइड करूंगा वहां पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा सो थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच